हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थ्री पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यह ब्लाउज के मेजरमेंट लेंथ है 14 इंच चेस्ट, 40 अपर चेस्ट, 42 फुल बस्ट और कमर है 32, स्लीव्स है 6.5 इंच। तो इसी मेजरमेंट के साथ मैं ये ब्लाउज ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसके पहले आपसे मेरे और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल बटन पर क्लिक करना ना भूले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर चलिए देखता हूँ किस तरह से मेजरमेंट लेना है और काट करना है। तो पहले मैं बैक पार्ट काटूंगी, ये मैंने पेपर पे काट कर रही हूँ इसलिए मैंने सिंगल लिया। अगर फैब्रिक पे काटना है उस टाइम पे आपको इस तरह से इसको डबल कर लेना है। तो आपको लंबाई अपने हिसाब से लेना है, जितना आपका लंबाई है उसी हिसाब से लीजिएगा। तो 40 साइज का होगा तो टोटल लंबाई देखिए 14 चाहिए। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई के लिए, आपका साइज ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। अब इसको बराबर मिलाना है। अभी शोल्डर के लिए मेजरमेंट लेना है तो यहाँ से देखिए मैं 5.5 इंच रखूँगी, क्योंकि बैक साइड पे डीप नेक होगा इसलिए मैंने 5.5 इंच लिया। अभी आर्म होल लेना है 6 इंच रखूँगी, आपका शायद इससे कम भी हो सकता है। तो आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से लेना है उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जरूर चेक कीजिएगा। इसको बराबर मिलाना है। ये 40 साइज था तो 40 का चौथा हिस्सा लेना है 10 इंच। उसके बाद हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी आर्म होल का गोलाई लेना है, ये देखिए मैं 1.5 इंच पर रखूँगी। अब इसको गोलाई पे शेप देना है, यहाँ से देखिए 1/2 इंच नीचे की तरफ लेना है। आर्महोल का गोलाई आपको परफेक्ट तरीके से देना है। आर्महोल शेप देते वक्त आपको एक बात का ध्यान में रखना है, ये जो आपका छाती का मेजरमेंट था इसके बाहर नहीं जाना है, इसे थोड़ा अंदर की तरफ होना है, तब आपका आर्महोल का परफेक्ट मेजरमेंट होगा। अभी नेक लेना है, नेक का चौड़ाई लेना है, ये मैं 2 इंच रखूँगी। ये डीप नेक है इसलिए मैं 2 इंच लिया, अगर बैक साइड पर डोरी होता है उस टाइम पर आप 2.5 इंच ले सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ से 2 इंच लेना है, नहीं तो आपका शोल्डर गिरने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी डीप देखिए मैं 9.5 इंच रखूँगी। अभी यहाँ से मैं 2.5 इंच रखूँगी, अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से 3 इंच या 3.5 भी ले सकते हो। अभी इसमें कोई भी शेप दे सकते हो। अभी देखिए इसमें शेप कैसे देना है। तो इस तरह से आपको ये शेप देना है, तो आपका जितना चाहिए उसी हिसाब से आपका शेप होगा। तो अगर आपको और भी चौड़ा चाहिए तो यहाँ से आप और भी ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको 2 इंच रखना है अगर बैक साइड में डोरी नहीं होता है तब। तो इसमें और एक बात, अगर आपके शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ब्लाउज पर सबसे ज़्यादा होता है उस टाइम पर आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से आपको 2 सूत डाउन कर लेना है। इस तरह से डाउन करने के बाद इसको इसके साथ मिला देना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ से आपको डाउन नहीं करना है, डीप नेक पे हमेशा यहाँ से डाउन करना है। तभी देखिए टोटल जितना छाती है 12.5 इंच, तो जितना हमें छाती मिला है उससे मैं 1 इंच कम रखूँगी कमर के लिए, तो जितना हमें चाहिए फिटिंग्स के लिए मैं बाद में लगाऊंगी। अब इसको काट कर लेना है, आप यहाँ से देख सकते हो काट हो गया। अभी फ्रंट पार्ट काटना है, तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने सीधा पॉइंट लगा लिया, सीधा करके निशाना लगा लिया। अभी सबसे पहला मैं शोल्डर का मेजरमेंट लेना, जितना बैक पार्ट पे था सेम बराबर यहाँ पे भी लेना है 5.5 इंच। तभी जो बैक पार्ट है इसको, ये जो पॉइंट मैंने दिया इसके साथ बराबर इस तरह से मिलाना है।
तो मिलाने के बाद इसको हल्का सा इस तरह से तिरछा कर लेना है, इस तरह से। तिरछा करने के बाद आपको जहाँ पे ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का लेंथ जहाँ पे ख़त्म होता है बिल्कुल वहीं पे आपको 1.2 लेना है, मतलब 1 इंच लेने के बाद आपको और भी 2 सूत लेना है। तो उसके बाद इसको भी इसके साथ बराबर मिलाना है, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे इसको तिरछा मिलाना है। बिल्कुल सीधा नहीं होगा, यह हल्का सा तिरछा होगा। उसके बाद देखिए जैसे ये बैक पार्ट है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे पहले निशाना लगा लेना है, और ये नेक पे यहाँ तक लगाऊंगी मैं, बाकी जितना चाहिए बाद में लगाऊंगी। अब इसको हटा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 1.2 इंच ज़्यादा लिया, सिर्फ हमें यहाँ पे भी 1.2 ज़्यादा लेना है। तो देखिए अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, इधर भी मैं 1.2 ज़्यादा लेती हूँ, इधर भी 1.2 ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन ये क्यों लेती हूँ? देखिए ये इसलिए लेती हूँ क्योंकि बीच में जो टास्क होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, 3 इंच का टास्क होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी उस टाइम पे टास्क लगाने के बाद बैक साइड के हिसाब से फ्रंट पार्ट बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों साइड पे बढ़ा लेती हूँ। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेना है, तो जितना बैक पार्ट पे था उसी हिसाब से मैं लगाऊंगी 6 इंच। अब इसमें शेप देना है, तो मैं हाफ इस अंदर की तरफ से रखूंगी, यहाँ पे बराबर रखना है, उसके बाद यहाँ से लेना है, इस तरह से मिला देना है। अभी देखिए नेक डेप्थ लाना है, तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना आपको चाहिए आप उसी हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं 6.5 इंच पे रखूँगी, अगर आपको और भी चाहिए तो आप 7 इंच या 7.5 इंच भी ले सकते हो। और इधर देखिए चौड़ाई कितना लेना है अपने हिसाब से ले सकते हो, अगर आपको फ्रंट पे बहुत ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे आप 3 इंच लीजिएगा, अगर आपको छोटा चाहिए उस टाइम पे आप 2.5 इंच भी दे सकते हो, इस तरह से। तो आप इसमें जो डिज़ाइन आपको चाहिए उसी हिसाब से दे सकते हो, अगर आपको डिज़ाइन बनाना है फ्रंट पे तो आपको नेक डिप ज़्यादा लेना होगा, चौड़ाई भी ज़्यादा लेना होगा। तो फ्रंट पे इस तरह से हल्का सा बाहर की तरफ से देना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमें ब्लाउज का टैक्स पॉइंट निकाल लेना है, मतलब जो बास्ट पॉइंट होता है फुल बास्ट का पॉइंट निकाल लेना है। देखिए अलग अलग बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से किस तरह से ये बास्ट पॉइंट निकाल लेना है, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ से जरूर चेक कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे टैक्स पॉइंट में 10 इंच पे रखूंगी, यहाँ से टैक्स पॉइंट 10 इंच, लेकिन शोल्डर पे सिलाई होता है, सिलाई के लिए हाफ इंच दाता है, तो इसलिए मैं 10.5 इंच पे रखूँगी। तो ये हो गया टैक्स पॉइंट। उसके बाद जहाँ पे आपका टैक्स पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ पे आपको एपेक्स पॉइंट निकालना है, तो एपेक्स पॉइंट देखिए किस तरह से निकालना है। तो एपेक्स पॉइंट देखिए किस तरह से निकालना है, ये जो ब्लाउज है इसका 40 साइज है, ये है अपर चेस्ट और फुल बस्ट है 42, फुल बस्ट है। तो जितना आपको फुल बस्ट मिलता है उसको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करने से 4.2 इंच आता है। तो जितना आपको ये मिलता है, आपका साइज कुछ भी हो, इस तरह से आपको एपेक्स पॉइंट निकाल लेना है। तो जितना ये मिलता है ये होगा आपका एपेक्स पॉइंट। तो यहाँ से देखिए मैं 4.2 रखूंगी, मतलब 4 इंच लेने के बाद हमें और भी 2 सूत लेना है यहाँ तक। तो इसमें देखिए निशान लगा लेना है, इस तरह से मैं हल्का सा निशाना लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है, ये किस तरह से होता है, तो ये भी आपको फुल बस्ट के हिसाब से लेना है, अपर चेस्ट के हिसाब से नहीं, 42 फुल बस्ट है। तो जितना आपका फुल बस्ट मिलता है उसको 13 से डिवाइड करना है, ये छाती का 13वां भाग होता है। तो देखिए ये कितना हुआ, 3.23 समथिंग आया है, मतलब 3, यहाँ पे देखिए 3 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत से हल्का सा ज़्यादा आया है, तो इतना मिलता है। तो
तो इस तरह से मैं नहीं लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ सीधा 3.5 इंच या 4 इंच रख देती हूँ। अगर फुल बस्ट बहुत हेवी होता है उस टाइम पे 4 इंच लेती हूँ, अगर नॉर्मल होता है उस टाइम पे 3.5 लेती हूँ। क्योंकि इस तरह से लेने से क्या होता है, कभी कभी किसी का ज्यादा हो जाता है किसी का कम हो जाता है, इसलिए मैं इस तरह से नहीं लेती हूँ। आप चाहो इस तरह से भी ले सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो। तो इसमें देखिए मैं 3.5 इंच रखूंगी। यहाँ पे तो इसको सीधा बराबर लाइन खींचना है इस तरह से। अभी देखिए यहाँ से मैंने कितना लिया था, 4.2, तो यहाँ से भी लेना है 4.2। अब इसको बराबर मिलाना है। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ उठाना है। यहाँ से आप हाफ इंच भी ले सकते हो, 1.25 भी ले सकते हो, अपनी पसंद के हिसाब से आप दे सकते हो शेप। और यहाँ पे देखिए मैं हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करूँगी, हाफ इंच। अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है। और यहाँ पे देखिए मैं 1.25 ऊपर की तरफ उठाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा गुलाई देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है। ये मैं 1.5 इंच रखूंगी, इस तरफ भी 1.5 इंच रखूंगी। अगर आपको यहाँ पे जो शेप है ये कटोरी की तरह ज़्यादा चाहिए, उस टाइम पे आपको क्या करना है, 3.5 लेना है टोटल। देखिए यहाँ पे 3 इंच लिया, आपको टोटल उस टाइम पे 3.5 इंच लेना है। अगर चाहो तो आप 4 इंच भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको शेप ज़्यादा चाहिए तो। मैंने 3 इंच लिया। अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है। अभी देखिए यहाँ से हल्का सा गोलाई देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है। ये मैं 5 इंच पे रखूंगी, आप 5 इंच पे दे सकते हो, 4.5 भी दे सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप दे सकते हो। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है। अभी यहाँ पे देखिए कितना दूरी पे मैंने ये पॉइंट दिया, 3 इंच पे। यहाँ से यहाँ तक दूरी है 3 इंच है। अगर आपको ये शेप और भी चाहिए उस टाइम पे आप और भी यहाँ से ज़्यादा ले सकते हो। देखिए यहाँ से 2.75 भी दे सकते हो, तब का शेप और भी अच्छा होगा। इस तरह से ले सकते हो आप, अपनी पसंद के हिसाब से ये शेप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखिए हाफ इंच का शेप देना, टोटल आपको हाफ इंच का देना है, ध्यान में रखना है। दोनों साइड मिला के आपको हाफ इंच का लेना है। इस तरह से मिला के देना है। तो अगर किसी का अपर चेस्ट के हिसाब से फुल बस्ट बहुत हेवी होता है उस टाइम पे देखिए मिनिमम यहाँ से मिनिमम 2.5 इंच दूरी पे आपको मिनिमम 1.25 इंच का शेप देना है। ये आपको सिलाई करते वक्त दिखाऊंगे, तो सिलाई का वीडियो देखना ना भूलें। उसके बाद देखिए बेल्ट के लिए हमें मेजरमेंट लेना है। यहाँ से मैं और भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी बेल्ट के लिए, तभी सीधा मिलाना है इसको। तो अभी ये काट कर लेना है। यहाँ पे आपको जरूर पॉइंट लगा के रखना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए ये जो बेल्ट है ये आपको बैक पार्ट के हिसाब से लेना है। इस साइड आपको परफेक्ट रखना है, तो बैक पार्ट का जितना चौड़ाई है हमें उसी हिसाब से लेना है, यहाँ तक है तो इतना हमें काट कर देना है। और इधर चाहो तो हल्का सा शेप लगा सकते हो।
इस तरह से, तभी देखिए ये इस तरह से होगा। अभी आस्तीन काटना है, तो देखिए अभी आस्तीन के लिए मेजरमेंट लेना। सबसे पहले मैं आस्तीन का चौड़ाई लेना है, तो चौड़ाई के लिए मेजरमेंट कैसे लेना है अलग अलग साइज़ के लिए, तो मैं लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ। हमें यहाँ से लेना है शोल्डर से, इंची टेप को इस तरह से मिला के लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना मिला है, 9.5 इंच। जितना मिलता है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है, तब आपका आस्तीन का परफेक्ट चौड़ाई मिल जाएगा। तो अभी देखिए पेपर पे काट रही हूँ, इसलिए मैंने सिंगल लिया। मैं फैब्रिक पे काटूंगी, उस टाइम पे डबल कर लूँगी। यहाँ से देखिए आस्तीन का लंबाई लेना है 6.5 इंच यहाँ तक। फिर यहाँ से आस्तीन का चौड़ाई लेना है 10.5 इंच। इसको सीधा मिलाना है। अभी देखिए यहाँ से कितना डाउन करना है, ये मैं लगभग 4 इंच से मैं एक सूत कम रखूँगी। देखिए मैंने 4 इंच से एक सूत कम लिया। अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है इस तरह से। फिर यहाँ से और एक मैट लेना है 2.5 इंच का। अभी शेप देना है। अभी मुहरी के लिए लेना है, इसमें मुहरी 12 है, 12 का हाफ 6। उसके साथ हमें 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितना आप अंदर रखना चाहो उसी हिसाब से आप ले सकते हो, 2.5 इंच भी आप ले सकते हो। अब इसको भी कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं फैब्रिक पे काटिंग और स्टिचिंग दिखाऊँ, तो एक ही वीडियो पे काटिंग और स्टिचिंग दिखाने से वीडियो बहुत ही लंबा होता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलाई दिखाऊंगी, तो सिलाई के वीडियो देखना ना भूले। अगर आपको मेरे आज के वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।